अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 1 मार्च 2022 है और इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं, सुबह 12। गिलगित में आज मौसम सारा क्लाउडी है, पहाड़ों पर बादल आए हुए हैं। अगर ये अरमश आपको दिखाए, फ्रेश स्नो भी पड़ी है इस साइड से, अगर आप इधर आकर दिखाओ ना, वो आप देखें पहाड़ों पर इस तरफ बराबर वाली खंबे से इस साइड, ये जो है ये फ्रेश स्नो है। और हम लोगों का प्रोग्राम बना है अभी गिलगित से हुंजा का चक्कर लगाने का। उधर कैसा मौसम होता है, क्या होता है, क्लाउडी होता है, और तो हुंजा की तरफ अभी हम जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह वापसी होती है रात तक। ठीक है भाई, मौसम बहुत टाइट है इस वक्त गिलगित में, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे हुंजा के लिए। गाड़ी वॉश कराने का फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि मौसम बारिश हो। अच्छा, ये अल्लाह हाफिज़। गाड़ी सर्विस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मौसम बहुत बेईमान है। चले जी, रख ली चीजें, चाय शाय है वो, चाय का खाने का देखते हैं बस। बस ठीक है, जंगला लगा दिख रहा है आपको, फेंस लगी हुई है। ये गिलगित एयरपोर्ट है, रनवे है ये, और वो जहाज खड़ा हुआ है जो लैंडिंग के वक्त स्लिप हो गया था और फंस गया था। टेक ऑफ के वक्त स्लिप नहीं हुआ था? नहीं, लैंडिंग के वक्त हुआ। अच्छा अच्छा, जो भी हुआ स्लिप तो हुआ ना। हाँ। ये अब ये यहाँ बिल्कुल अपने हिसाब से चलेंगे। मौसम बहुत टाइट हो रहा है। आलू बड़ा जबरदस्त है इधर, आलू बहुत जबरदस्त है, लकड़ियां जा रही हैं। हाँ, फैंसी की गाड़ी, हालत देखो। ये अब हम लोग आगे सेकंड एरिया में एंटर हो जाएंगे, हुंजा के लिए हम लोग जा रहे हैं। भी है, बर्फ भी है, बादल आए हुए, चोटी से नीचे आए हुए बादल जी, बाहर से नीचे। ऊपर देखो, मुझे तो लग रहा है फ्रेश और हुई है और हो रही होगी जी। राइट साइड भी सब बादल ही बादल हो रहे हैं। गेटाइज ऐसे लगा रहे हैं जंगलों की तरह यार, कसम से। टायर सस्पेंशन सब खराब होता है, हद होती है। एक जमाने में पंजाब में लगी थी ना कैट आईज, यकीन करो सिर्फ बाथरूम में नहीं लगाई थी, वॉशरूम में के कमोड पे भी लगा देते पंजाब वाले कैट आईज, वो बस नहीं उनका चला था। ये आ गई है हुंजा की टर्निंग दुनियोर वाली, से हमने टर्न किया। ये जो नीचे अब आपको दिख रहा है ये है दनियोर जी। दनियोर और गिलगित जो है समझ से कनेक्टेड ही है एक दूसरे से, बिल्कुल गिलगित की वो है आबादी। की तरफ जा रहे हैं, देखें सामने पहाड़ों पर कैसे जबरदस्त बादल आए हुए, क्लाउडी हुआ है। और अभी हमें गिलगित से फोन आया है, पता लगा है कि जी आगे गुजाल में स्नोफॉल भी हो रही है, तो देखते हैं आगे जाते हैं कहाँ स्नोफॉल मिलती है, मज़ा आ जाएगा।
ग्लव्स वगैरह तो रखे हुए हैं ना गाड़ी में, जैकेट भी रखी हुई है, जैकेट हैवी वाली है। तो बादल हैं, बस ये ट्रैफिक का जरा होता है इशू, अब जैसे बढ़ता जा रहा है ना ट्रैफिक, देखो हर उसमें बढ़ता जा रहा है, तो अब होना ये चाहिए कि डबल डबल रोड होनी चाहिए, एक जाने की एक आने की। ये है चाइना की बनाई हुई रोड है, कितना साल हो गए देख लो, बेहतरीन, ना कोई पैच वर्क ना कोई रिपेयरिंग, जरूरत ही नहीं, मटेरियल सही लगाया सही बनाई उसको, सही जो है ना कॉम्पैक्ट उसको किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही साइज की है तक, ये स्कर्दू वाली रोड की तरह नहीं है, रोड की तरह नमूनेबाजी नहीं करी कि कहीं 10 फुट की कर रहे हैं तो कहीं 12 की कर रहे हैं, कहीं 15 की कर रहे हैं, कहीं 20 की कर रहे हैं। ये है, बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगती है लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है ना भाई, रोड होती है एक ही साइज की होती है। अब ये चल रही है खुजराब से लेकर रायकोट तक, एक ही इसकी विड्थ है, एक जैसी है, ऊपर देखो कैसा बादल, रमजान खान इन बादलों में खो ऐसे हाथ फैला के लाल जैकेट अपनी यू करके फोटो खिंचवा रहे हो, टाइट डाले फिल्म देख रहे हो, हाँ बहुत असील बना टाइट था, तुर्की का है ना, मैं तो एक भी नहीं देखी भाई, सुना ही है सिर्फ लोगों से। ये दरिया बह रहा है नीचे और आगे से फिर नलतर की तरफ भी रोड जाएगा, नलतर हो सकता है पड़ी हो बर्फ, हो सकता है, हो सकता है, लेट्स सी। हम जा रहे हैं हुंजा की तरफ, जिला नगर बहुत बड़ा है। वाह वो पीएसओ का पंप भी आएगा ना अभी तो आगे, हाँ वो नॉर्मल आएगा लेफ्ट साइड को, उसको रास्ता जाएगा आपका नलतर को।